हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने हरियाणा में अब पूरा जोर लगा दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में विकास की योजनाएं परवान चढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में हर विकास परियोजनाओं की खुद समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और हरियाणा के विकास पर लंबी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वापस लौटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेहद ही कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया कि तीसरी बार हरियाणा में कमल खिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। प्रधानमंत्री से मिलकर वापस लौटे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास कार्यों की जानकारी ली है। उन्होंने खुद एक एक योजनाओं की प्रगति जानी और हमने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि हरियाणा के विकास में कोई भी कुताही नहीं होगी। सीएम सैनी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार फिर कमल खिलेगा। उन्होंने विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हरियाणा में हर जिले में 4 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के विजन को बढ़ाने में हरियाणा का भी बड़ा योगदान होगा। सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, विकास की बयार बही है। सीएम नायब सैनी ने अग्निवीर योजना को लेकर भी बड़ा बयान दिया। कह दिया कि अग्निवीर योजना के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से जानकारी ली है। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को 10% का आरक्षण देने का फैसला किया है। अलग अलग विभागों, निगमों, बोर्डों और कॉरपोरेशन में उन्हें एडजस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, अग्निवीर की शुरुआत में 5 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अग्निवीर किसी इंडस्ट्री में 30,000 रुपए की नौकरी करेगा तो हरियाणा सरकार उसे 60,000 रुपए की सब्सिडी देगी। इतना ही नहीं, अग्निवीर अगर अपना काम करना चाहते हैं तो अग्निवीर को हरियाणा सरकार 5 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देगी। यानी अग्निवीर के लिए हरियाणा सरकार ने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी एक एक कर हरियाणा के प्रति प्रतिबद्धता जताते हुए कहा कि हरियाणा के लिए किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं रहने दी जाएगी और हरियाणा में विकास की गंगा बहाने का भरसक प्रयास किया जाएगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।